So hello students, welcome to the lecture for design of stage structures. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे what are the types of voltage connection, a basic definition, उसकी कुछ assumptions और आपके किस टाइप के failures होते हैं जब आप riveted connections को use करते हैं. So let's start. पहला हमारा है voltage connection. Volt basically voltage connection जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि volt क्या है. बोल्ट बेसिकली क्या है, इट इज अ मेटल पिन विद वन साइड हेड एंड शैंक थ्रेडेड एट अदर साइड टू रिसीव अ नट. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपका जो बोल्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसका एक पार्ट आपका टॉप पार्ट जो हेड है वो होगा और जो उसका लोअर पार्ट है जिसको हम लोग शैंक बोलते हैं. सो इट कैन बी थ्रेडेड और नॉन थ्रेडेड. थ्रेडेड अगर होंगे तो उसमें इस टाइप के कुछ थ्रेड्स होंगे जिसके ऊपर आपका नट रिसीव हुआ या हम लोग उसको पुट करते हैं. so, इस टाइप का कुछ बिहेवियर है और इसी का जो नट होगा उसमें कुछ टाइप के ग्रूव्स होंगे, थ्रेड्स होंगे जो कि आपका एक बोल्ट को अकंपनी करेंगे और दोनों मिलके एक बॉन्ड या कनेक्शन बनाते हैं. सेकंड, स्टील वॉशर्स आर यूज्ड बिलो द हेड ऑफ बोल्ट एंड अबव so that the nut to serve the following purpose. Steel washers भी हम लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा हम nuts को कसने के लिए, bolts को कसने के लिए हम लोग steel washer का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको watertight चाहिए तो वहाँ पर आप rubber washers का इस्तेमाल करेंगे ताकि इससे कुछ हमारे purpose solve पाएं, जैसे कि उसका purpose आपका to distribute the clamping pressure on shank area of the bolt. जो आपका pressure आएगा shank पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो आपका टोटल एरिया ऑफ बोल्ट पे. सेकेंड है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन शैंक एरिया ऑफ बोल्ट एंड कनेक्टिंग पीस. ये दूसरी इसकी जो पर्पस है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन शैंक एरिया एंड बोल्ट एंड कनेक्टिंग पीस. फ्रिक्शन कम होगा तो आपके लॉसेस कम होंगे, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो स्टील वॉशर का रोल यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है. ओके, इसके अलावा फिर हम पे कुछ टाइप के बोल्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे पहला है आपका अनफिनिश्ड बोल्ट या जिसको हम लोग ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट भी ये कहलाते हैं. जनरली एज पर द डेफिनेशन दीज बोल्ट्स आर जनरली ऑफ माइल्ड स्टील. तो जनरली ये आपके माइल्ड स्टील के बने होते हैं एंड आर यूज टू कनेक्ट सेकेंडरी मेंबर लाइक पर्लिंस, राफ्टर्स विच आर अंडर द स्टैटिक लोड. तो जो हमारे प्लेट्स कनेक्शन में या लोड हम लोग जो भी टाइप के कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं स्टील में, उसमें सेकेंडरी मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जो बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके अनफिनिश बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट के नाम से कहलाते हैं, जो जनरली कहाँ पर यूज होते हैं, बर्लिंस, राफ्टर्स विच आर अंडर द स्टैटिक लोड. तो ये आपके रूफ ट्रस के मेंबर है वहां पर आप यूज करते हैं अनफिनिश का. दीज बोल्ट्स आर जनरली ऑफ 4.6 एस ग्रेड. जनरली जो उसका ग्रेड है वो 4.6 का होता है. वेयर द डिजिट बिफोर डेसिमल, जैसे कि आप देख पा रहे 0.6 से पहले डिजिट है 4, तो डेसिमल शोज 1/100 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द डिजिट आफ्टर डेसिमल शोज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो ये जो नंबर है बिफोर डेसिमल आफ्टर डेसिमल, इनका एक सर्टेन रोल है. जो डेसिमल से पहले के प्लेस हैं जो डिजिट है वो आपका शो करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सी, 1/100 टाइम्स. एंड डेसिमल के बाद का जो नंबर है या डिजिट है वो आपका शो करेगा रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, तीसरा, दीज आर जनरली ऑफ डाया 5 to 22 mm. तो जो डायमीटर है इसमें वो आपका 5 से 22 mm के बीच में होता है, अनफिनिश्ड बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट का. सेकेंड टाइप का जो हमारा बोल्ट है वो होता है आपका हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जिसको शॉर्ट में अगर आप लिखें तो HSFGBB कहलाया जाता है या HSFB बोल्ट्स भी हम लोग इसे कहते हैं. ओके, दीज बोल्ट्स आर जनरली ऑफ मीडियम कार्बन स्टील एंड आर यूज इन हैवी स्ट्रक्चर्स अंडर फटीग एंड वाइब्रेशन. तो जहाँ पर भी हमें ज़्यादा वाइब्रेशन वाला पार्ट है या फटीग वाला पार्ट है उस जगह पे आप हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे.
ठीक है, तो जहां पर आपको हैवी स्ट्रक्चर्स में लगाना है तो आप जो बोल्ट आप रिकमेंड करेंगे वो HSFG बोल्ट को रिकमेंड करेंगे। दीज आर जनरली ऑफ ग्रेड 8.8 to 10.9 S। जैसे इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट से पहले एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो दिस विल शो द सेम बिहेवियर। तीसरा, डायमीटर ऑफ द बोल्ट वेरीज फ्रॉम 16 to 36 mm, क्योंकि ये हैवी स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर HSFG बोल्ट जो है वो 16 to 36 mm के डायमीटर में आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक इसमें इम्पोर्टेंट नोट है, तो डिडक्शन ड्यू टू थ्रेडिंग पोर्शन, कुछ क्योंकि बोल्ट में डिडक्शन होगा तो डिडक्शन फैक्टर आपका होता है 0.78, जिसकी वजह से नेट एरिया दैट इज AN, जिसको हम AN से डिनोट करेंगे, दैट विल बिकम्स AG इनटू 0.78, क्योंकि टोटल ग्रॉस एरिया जो AG है, जो नेट एरिया होगा वो उसका 0.78 टाइम्स। ओके, सो देयरफॉर AN अपॉन AG इज इक्वल टू द प्रूफ एरिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि you have to calculate the proof area, so the formula which you will be using for that will be AN upon AG. Okay. इसके अलावा इसमें कुछ important terms हैं जो कि आपने पहले भी इसमें पढ़े, जैसे कि nominal dia, इसको हम denote करेंगे DN से, it is a dia of shank of bolt. Shank area आपको पता है, head के नीचे जो वाला part होता है वो आपका shank area कहलाता है, तो ये वाला जो part है आपका, ये वाला part आपका कहलाएगा dia of shank. तो उसका जो डायमीटर होगा वो आपका डी एन से डिनोट करेंगे हम लोग। इसके अलावा ग्रॉस डाया विल बी द डाया ऑफ बोल्ट होल, तो जो बोल्ट होल है आपका जिसमें ये आपका शैंक फिट होगा, तो इस होल को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे आपका क्रॉस डाया, जिसको हम डिनोट करते हैं डी नॉट से। ओके, तो डी नॉट एंड डी एन के बीच में कुछ रिलेशन है कि अगर इफ आपका डी नॉट इक्वल टू डी एन प्लस वन, डी नॉट इक्वल टू डी एन प्लस टू, डी नॉट इक्वल टू डी एन प्लस टू, तो इन ये तीनों केस में कब होगा, जो डी नॉट इज इक्वल टू डी एन प्लस वन व्हेन डी एन इज लेस देन 16 mm, तो ग्रॉस डाया विल बी कैलकुलेटेड बाय डी एन प्लस वन से। इफ डी एन नॉमिनल डाया आपका 16 से 24 mm के बीच में पड़ता है, तो डी नॉट विल बी कैलकुलेटेड बाय डी एन प्लस टू, एंड इफ डी एन इज ग्रेटर देन 24 mm, डी नॉट विल बी कैलकुलेटेड बाय डी नाइन प्लस थ्री। ये कुछ इसके रिलेशनशिप है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके हेल्प से आप अपना नॉमिनल डाया एंड ग्रॉस डाया के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फेलियर ऑफ वोल्टेज कनेक्शन, जो वोल्टेज कनेक्शन है वो उसमें फेलियर कितने टाइप से होता है। तो पहला जो फेलियर है वो है शेयरिंग फेलियर ऑफ वोल्ट, जब आपका बोल्ट शेयरिंग में या शेयर में आपका फेल हो जाता है। ओके, सो हेयर VNSB विच इज शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ है हमारी, उसके लिए यहाँ पर IS कोड से फॉर्मूला दिया गया है, जो कि आपका है FUB होल अपॉन रूट 3 गामा MB होल मल्टीप्लाइड बाय NNANB प्लस NNSASB, वेयर VNSB जैसे कि आप जानते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा FUB विल बी द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, गामा MB विल बी द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, 1.25 हम लोग लेंगे। NN इज द नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड, कितने शेयर प्लेन है उसमें कितने थ्रेड है। NS विल बी द नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड, कितने ऐसे हैं जो विदाउट थ्रेड है। ANB इज द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट, एंड ASB इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द बोल्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको नेट सेक्शनल एरिया एंड ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट दोनों आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर कैलकुलेटिंग द शेयरिंग स्ट्रेंथ। ओके, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। सेकंड टाइप का जो फेलियर होगा बोल्ट में वो है ड्यू टू द बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट एंड बोल्ट। बेयरिंग फेलियर या बेयरिंग स्ट्रेंथ हम लोग डिनोट करते हैं VNBB से। ओके, क्योंकि प्लेट एंड बोल्ट है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2.5 kV into d into t into fu whole upon sigma mb, where VNPB is the bearing strength, KB is the constant which can be calculated from these three, E upon 3D naught, P upon 3D naught minus 0.25 and FUB by FU or 1.0. इनमें से जो भी वैल्यू सबसे छोटी होगी उसको हम अपने कॉन्स्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा स्मॉल डी इज द नॉमिनल डाया, क्योंकि आपने इससे पहले देखा है कि नॉमिनल डाया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपको ग्रॉस डाया गिवन होगा। टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ओके, जो दोनों प्लेट्स में से जो थिन प्लेट होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं बोल्ट
क्या कर रहा है आपकी दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए यूजफुल है। तो जो दोनों प्लेट्स में जो थिनर डाया या थिनर थिकनेस वाली जो आपकी प्लेट होगी, टी विल बी टेकन एज दैट। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।